मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। वहीं प्राइम टीवी से खास एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि हम पहले की तरह इस बार भी विकास की गति पर काम करेंगे। हमने पहले भी कैबिनेट में राशन योजना का समय बढ़ा दिया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अब सब कुछ हो चुका है, सरकार अपने पूरे रूप में काम करने लगी है, क्या रणनीतियां हैं, कैसे आगे की जो 5 साल है उस व्यवस्था को दुरुस्त? नहीं, बहुत अच्छा से किया जाएगा। बीता हुआ 5 साल अपने आप में वो जनता के सामने है, आने वाला 5 वर्ष उत्तर प्रदेश का कायाकल्प करने वाला होगा और हमारी सरकार का यही प्रयास है कि हम उत्तर प्रदेश को देश में नंबर 1 का प्रदेश बनाए। विपक्षियों का सबसे बड़ा सवाल राशन को लेकर के था कि आप लोग चुनाव के बाद उसे खत्म कर देंगे, लेकिन पहली कैबिनेट में आप लोगों ने उसको और बढ़ा दिया है, तो क्या ये जवाब माना जाए? कोई जवाब नहीं, उनके सवाल के आधार पर हमारी कोई योजना नहीं होती। हमारा कर्तव्य है जनता के प्रति। माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना देश में 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन उपलब्ध कराने का काम 2 साल तक किया है, तो यह विपक्ष के सवाल के जवाब में नहीं है, बल्कि हमारी जब तक जिम्मेदारी समझ में आती है तब तक हम लोग करेंगे। धन्यवाद तुमसे बात करने के लिए। तो ये थे केशव प्रसाद मौर्य जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पहले की तरह इस बार भी और बेहतर तरीके से हम काम करेंगे। कैमरा पर्सन शुभम के साथ मैं रितिन, प्राइम टीवी। योगी सरकार 2.0 में भी कैबिनेट मंत्री बने सूर्य प्रताप शाही अब प्रदेश में बनी भाजपा की सभी सरकारों में मंत्री रहे हैं। कल्याण सिंह के नेतृत्व में प्रदेश में बनी भाजपा की पहली ही सरकार में गृह राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार से शुरू हुआ। उनका सफर इस सरकार तक जारी है। प्रदेश सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में प्रदेश के 15 करोड़ निवासियों को मुफ्त राशन योजना का लाभ 3 महीने और बढ़ाने पर सरकार के कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। सूर्य प्रताप शाही जी हमारे साथ मौजूद हैं, कल इन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ली है। अब इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि अब आगे के क्या रोड मैप है, कैसे उत्तर प्रदेश सरकार जनता के लिए काम करेगी। सर, बहुत शुभकामनाएं आपको। सबसे पहले हम ये जानना चाह रहे हैं कि अब आगे की क्या तैयारी है, कैसे काम होगा? सबसे पहले तो मैं आज जो है वो कैबिनेट के आज आज पहला फैसला हुआ, पहली कैबिनेट बैठी और उसमें उत्तर प्रदेश के गरीब जनता के कल्याण के दृष्टि से आज 3 महीने तक के लिए मुफ्त राशन बढ़ाए जाने की घोषणा हुई है, जिसके भीतर पात्र गृहस्थी वालों को 35 किलो मुफ्त राशन रहेंगे और 1 किलो आयोडीन युक्त नमक रहेगा, 1 किलो चना रहेगी, साथ में जो है वो रिफाइंड ऑयल रहेगा और इसी तरीके से पात्र गृहस्थी के लोगों को 5 किलो राशन मिलेगा। और ये घोषणा चुनाव से बहुत पहले नवंबर महीने में दीपावली से लेकर के होली तक के लिए मुख्यमंत्री जी ने किया था। तो आज भारतीय जनता पार्टी कितना गरीबों के प्रति समर्पित है उसका एक बहुत बड़ा ये उदाहरण है और आज हमारी कैबिनेट ने ये फैसला लिया। इसी से या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आगे आने वाले दिनों में भी हम लोगों का एजेंडा गरीबों के कल्याण के दृष्टि से, उत्तर प्रदेश के विकास के दृष्टि से, उत्तर प्रदेश की जनता के सुरक्षा के दृष्टि से और सुशासन के दृष्टि से आगे की ओर चलता रहेगा। मतलब ये एक जवाब है। ठीक है, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे सूर्य प्रताप शाही जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि हम लोग पहले भी बेहतर विकास के लिए काम कर रहे थे और आज जिस तरह से राशन स्कीम को सरकार ने बढ़ाया है वो अपने में एक कारगर स्कीम है। कैमरा पर्सन शुभम के साथ मैं नितिन, प्राइम टीवी। वही इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। आपको बता दें कि यूपी विधानसभा अध्यक्ष का जो चुनाव है, लखनऊ से बड़ी खबर यूपी विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव से जुड़ी हुई सामने आ रही है। 29 मार्च को यूपी विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा, विधानसभा मंडप हॉल में होगा निर्वाचन, विधानसभा कार्यालय में जमा होंगे नामांकन पत्र। 28 मार्च दोपहर 2 बजे तक कर सकते हैं नामांकन, 29 मार्च को दोपहर 3 बजे से यह चुनाव होगा। यूपी विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा मंडप हॉल में होगा। नए विधानसभा अध्यक्ष के नामांकन को लेकर प्रतिक्रिया शुरू, लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी विधानसभा अध्यक्ष का 29 मार्च को होगा चुनाव, विधानसभा मंडप हॉल में होगा निर्वाचन, विधानसभा कार्यालय में जमा होंगे नामांकन पत्र। 28 मार्च दोपहर 2 बजे तक कर सकते हैं नामांकन, 29 मार्च को दोपहर 3 बजे से चुनाव, विधानसभा मंडप हॉल में होगा निर्वाचन।
इसी बीच यूपी विधानसभा अध्यक्ष से जुड़े हुए जो चुनाव है 29 मार्च को होंगे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।